हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम करने वाले हैं जेट्रोपा का फ्लोरल डाइजेशन। तो हम डाइजेशन स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके उसे देखिएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, एंड या विजिट द चैनल ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियो को देख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं जेट्रोपा का फ्लोरल डाइजेशन। तो जैसे कि हमने बात किया था कि जेट्रोपा में पेनिकल साइम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं, यानी मेल और फ्लावर, फीमेल फ्लावर अलग अलग। तो ये जो है, ये हैं इसके मेल फ्लावर और ये हैं इसके फीमेल फ्लावर। तो आज हम दो दो फ्लावर का डाइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल फ्लावर से। तो हमारा फ्लावर होता है वो ब्रैक्टेट, ब्रैक्यूलेट टाइप का होता है। तो आप इसमें इसके ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट इजीली देख सकते हैं। और फ्लावर है वो पेडिसिलेट टाइप का है। तो अब हम फ्लावर के आउटर साइकिल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैलेक्स। ये जो आपको डार्क रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं बाहर की ओर, ये हैं इसके सेपल्स, जो कि होते हैं नंबर में 5 क्विंक्विनेंशियल एस्टिमेशन में और पॉलिस सेपलस कंडीशन में। इसके बारे में हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट साइकिल के बारे में, जो कि है कोरोला। तो कोरोला में 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन में, और ये पॉली पेटलस कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा इनके बेसल पार्ट में कोरोलियन कोरोना प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए आपको अंदर की ओर, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये कोरोलियन कोरोना है, आपको वाइट कलर दिखाई दे रहे होंगे। तो पेटल्स हैं नंबर में 5 है ट्विस्टेड एस्टिवेशन में, पॉली पेटलस कंडीशन में और कोरोलियन कोरोना प्रेजेंट है। इसके बाद में, क्योंकि ये एक स्टीमनेट फ्लावर है, यानी सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो इसका लास्ट और इनर मोस्ट साइकिल हम बात कर लेते हैं एंड्रोसियम के बारे में। तो अब देखिए, इसमें एंथर के नंबर टोटल 10 होते हैं, जो कि डाइथिकस टाइप के होते हैं और मोनोडर्फस टाइप के होते हैं, यानी ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इनका जो बेसल पार्ट है, इनका फिलामेंट है, वो एक होता है, और ये जो एंथर हैं वो 2 साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। नीचे वाले जो एंथर होते हैं ये पेटल्स के अपोजिट होते हैं, जबकि ऊपर वाले होते हैं ये पेटल्स के अल्टरनेट होते हैं। यानी इनके कंडीशन को अगर हम कहें तो ये ओ डिप्लोस्टीमनस कंडीशन होती है, जिसमें एंथर है वो इंट्रोस कंडीशन में है, डॉर्सी फिक्स्ड है। और इनके बेसल पार्ट में 5 नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि होती है पेटल्स के अल्टरनेट। तो आप नीचे की ओर देखिए, आपको ये जो गोल गोल सी दिखाई दे रही है वो है इसकी नेक्ट्रीज, यानी नेक्टर ग्लैंड। तो अगर हम एंथर के कंप्लीट फीचर्स के बारे में बात करें तो ये होते हैं नंबर में 10 डाइथिकस, मोनोअडल्फस 2 साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, इनकी ओ डिप्लोस्टीमस कंडीशन होती है, इंट्रोस होते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, जिनके बेसल पार्ट में 5 नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके फीमेल फ्लावर के बारे में। तो फीमेल फ्लावर है ये भी ब्रैक्टेट होता है, ब्रैक्टुलेट होता है, पेडिसिलेट होता है, और इनमें भी कैलेक्स और कोरोला होते हैं, वो स्टीमनेट फ्लावर की तरह ही होते हैं। तो आप देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इसके कैलेक्स, जो कि साइज़ में मेल फ्लावर से थोड़े बड़े हैं, कलर में अलग हैं। ये भी नंबर में 5 होते हैं, क्विंक्विनेंशियल एस्टिवेशन होता है, पॉली सेपलस कंडीशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोला के बारे में। तो कोरोला भी नंबर में 5 होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में होते हैं, पॉली पेटलस कंडीशन में होते हैं। इसके बाद में, क्योंकि ये एक पिस्टलेट फ्लावर है तो इसमें स्टीमन वाला पार्ट एब्सेंट होगा, तो हम इसके इनर मोस्ट साइकिल यानी गाइनोसियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइनोसियम की कंडीशन सुपीरियर होती है, यानी ये हाइपोगाइनस कंडीशन में होता है, जिसमें जो ओवरी होती है वो ट्राईकार्पलरी, सिनकार्पस, ट्राईलोक्युलर होती है, और ईच कार्पल में एक लोक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसमें मिलता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। अगर हम बात करें स्टिग्मा और स्टाइल की, तो इसमें 3 स्टाइल मिलती है, और स्टिग्मा होती है वो बाइफिड टाइप की होती है। इसके अलावा ओवरी के बेसल पार्ट में नेक्टरी डिस्क प्रेजेंट होती है। तो ये बात हो जाती है इसके पिस्टलेट फ्लावर के बारे में। तो हमारा मेन फ्लावर है ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है, स्टीमिनेट है, इसमें कैलेक्स के नंबर 5 है, कोरोला के नंबर भी 5 है, एंड्रोसियम है वो नंबर में 10 है, डाइथिकस है, मोनोडल्फस टाइप के हैं, ओ डिप्लोस्टीमनस टाइप के हैं, इसमें 5 नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करें पिस्टलेट फ्लावर की, तो वो ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेडिसिलेट है, पेंटामोरस टाइप का है, कैलेक्स के नंबर 5 है, कोरोला के नंबर 5 है, और अगर हम बात करें ओवर की, तो वो ट्राईकार्पलरी, सिनकार्पस, ट्राईलोक्युलर है, एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ में, जिसमें स्टिग्मा के नंबर 3 है, बाइफिड टाइप की है, और स्टाइल भी 3 है, जिसके साइड में एक नेक्टरी डिस्क प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया इसके फ्लावर के बारे में। हम अब बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लावर डाइजेशन के बारे में।
तो पहले हम बात करते हैं मेल फ्लावर के बारे में। तो हमारा मेल फ्लावर है ब्रैक्टिट है, ब्रैक्यूलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल यानी स्टीमलेट फ्लावर है। इसमें कैलेक्स के नंबर हैं वो है 5 जो कि है पॉलीसरप्लस कंडीशन में। करोला के नंबर हैं वो भी 5 है जो कि है पॉलीपेटलस कंडीशन में। अगर हम एंटर की बात करें तो वो टोटल नंबर में 10 हैं, दो ग्रुप में प्रेजेंट है 5-5 करके और मोनो अडल्फस टाइप के हैं। और गाइनोसियम के नंबर 0 है क्योंकि ये एक स्टीमलेट फ्लावर है। वहीं अगर हम बात करें पिस्लेट फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर के बारे में तो वो भी ब्रैक्टिट है, ब्रैक्यूलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है, कोरोला के नंबर 5 है पॉलीसेप्लस कंडीशन में, सॉरी कैलेक्स के नंबर 5 है पॉलीसेप्लस कंडीशन में, कोरोला के नंबर भी हैं 5 पॉलीपेटलस कंडीशन में। क्योंकि एक पिस्लेट फ्लावर है तो इसमें एंथर एब्सेंट है। और गाइनोसियम की बात करें वो ट्राई कार्पल रिसेंट कार्पल सुपीरियर कंडीशन में है। तो ये बन जाता है इसका फ्लोरल फार्मूला। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो ये बन जाता है जेट्रोपा के स्टीमलेट फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम, जिसमें हमारा फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रैक्टिट है, ब्रैक्यूलेट है। अगर हम सेपल्स की बात करें तो वो नंबर में 5 है क्विनक्विनेंशियल एस्टिवेशन में, पॉलीसेप्लस कंडीशन में है। वही अगर हम पेटल्स की बात करें तो वो भी नंबर में 5 है ट्विस्टेड एस्टिवेशन में है और पॉलीपेटलस कंडीशन में। ये 5 डॉटेड हैं वो इसकी 5 नेक्टरीज हैं जो कि पेटल के अल्टरनेट हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके इनर मोस्ट साइकिल के बारे में यानी एंथर्स के बारे में, वो टोटल नंबर में होते हैं 10, जिसमें से जो आउटर जो साइकिल है वो होता है पेटल्स के अपोजिट और इनर साइकिल होता है वो होता है पेटल्स के अल्टरनेट यानी ओ डिप्लोस्टीमस कंडीशन में है। और ये डाइथिकस है, डॉर्सिफिक्स्ड है और इसके अलावा मोनोडल्फस कंडीशन में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें पिस्टुलेट फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम के बारे में तो इसकी जो आउटर साइकिल कंडीशन है यानी ब्रैकेट, ब्रैक्यूलेट, सेपल्स और पेटल्स, ये स्टीमलेट फ्लावर के सिमिलर होते हैं। और क्योंकि इसमें मेल पार्ट मिलता नहीं है तो हम इनर मोस्ट साइकिल के बारे में बात करते हैं यानी गाइनोसियम की कंडीशन के बारे में, जिसके चारों ओर एक नेक्टरी प्लेट प्रेजेंट होती है। और अगर ओवरी की कंडीशन के बारे में बात करें तो वो होती है ट्राई कार्पल रिसेंट कार्पस ट्राई लॉक्यूलर एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ में, और ईच कार्पल में एक लॉक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये हो जाता है जेट्रोपा का कंप्लीट फ्लोरल डाइजेशन। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ में। टिल देन बाय बाय।